हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम दो गजब की एप्लीकेशंस जो कि हैं गूगल शीट और एक्सेल की इंटीग्रेशन के बारे में सीखने जा रहे हैं। अब गूगल शीट और एक्सेल की इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जैसे आप स्क्रीन पे डेटा देख पा रहे हैं, ये डेटा मेरा गूगल शीट के अंदर सेव है। अब मैं चाहती हूँ कि इस डेटा को मैं एक्सेल में लेके जाऊँ, लेकिन अगर मैं अपने गूगल शीट में इस डेटा में कोई भी चेंजेस करूं तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली मेरी एक्सेल की फाइल में भी रिफ्लेक्ट हों, तो इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे गूगल शीट में पड़े हुए डेटा को आप एक्सेल में लेके जाएंगे, और लेके ही नहीं जाएंगे, अगर आप गूगल शीट के डेटा में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो डेफिनेटली अपने आप ही एक्सेल की शीट में भी आपके चेंजेस जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो डेटा है उसमें मंथ, आइटम्स और सेल प्रेजेंट है। अब मुझे इस डेटा को एक्सेल में लेके जाना है। देखिए, आपके माइंड में होगा कि हम फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिलेक्ट कर लेंगे तो ये डेटा हमारा ऑटोमेटिकली एक्सेल की शीट में चला जाएगा। यस, एक्सेल की शीट में डेटा चला जाएगा, लेकिन बात आती है इंटीग्रेशन की, कि अगर आप शीट में पड़े हुए डेटा में चेंजेस करोगे तो एक्सेल की फाइल में भी वो चेंजेस होने चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो आपका जो डेटा में चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे। अगर आप डेटा में चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा, आप शेयर पे जाएंगे, पब्लिश टू वेब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप इंटायर डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ मेरे पास एक ही शीट है, अब सपोज़ कीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ शीट्स हैं, तो उस इंटायर डॉक्यूमेंट को आप वेब के ऊपर पब्लिश करना चाहते हैं या उसके कुछ पार्ट्स को। तो सिर्फ एक ही शीट है तो यहाँ पे शीट वन दिखा रहा है, तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर शीट सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, उसमें से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहे एंटायर डॉक्यूमेंट करूँ या फिर शीट वन, तो बात एक ही है। तो अब हम यहाँ पे पब्लिश का बटन है, और नीचे आपको यहाँ पे देखिए पब्लिश्ड कंटेंट एंड सेटिंग्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे सबसे पहले है इंटायर डॉक्यूमेंट, और नीचे देखिए एक लाइन लिखी हुई है ऑटोमेटिकली रीपब्लिश व्हेन चेंजेस आर मेड। मेक श्योर आपका ये जो चेक बॉक्स है ये चेक होना चाहिए, ताकि जब भी आप गूगल शीट में चेंजेस करो वो चेंजेस आपके ऑटोमेटिकली एक्सेल में भी रिफ्लेक्ट बैक हों। तो अब मैं अपने पब्लिश वाले बटन पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपको एक टाइप ऑफ वार्निंग आएगी, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू पब्लिश दिस सिलेक्शन, आप इसको करेंगे ओके। देखिए यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया है, अब आपने क्या करना है, इस लिंक को करना है कॉपी। इस लिंक को कॉपी करने के बाद आप जाएंगे अपनी एक्सेल की ब्लैंक फाइल में, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है डेटा ऑप्शन, और इसमें आप सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम वेब। अगर यहाँ पे फ्रॉम वेब नहीं आ रहा है तो आप गेट डेटा में जाएंगे, यहाँ पे आपको अदर सोर्सेज मिलेंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी फ्रॉम वेब। दोनों ही जगह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फ्रॉम वेब की ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया। तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया है, यहाँ पे ये यूआरएल पूछ रहा है, तो जो हमने कॉपी किया था वो यूआरएल हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड इसको करेंगे ओके। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके गूगल शीट और एक्सेल में आपस में जो कनेक्टिविटी है वो बन रही है, दोनों में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है। तो ये देखिए कनेक्शन का भी आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, इन दोनों में जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। जैसे हमारे पावर क्वेरी में नेविगेटर आता है, सिमिलरली वैसा ही कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे टेबल है, मैंने टेबल ज़ीरो को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरा वो सारा जो डॉक्यूमेंट है जो गूगल शीट में पड़ा था डेटा वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम वन जो है वो एक्स्ट्रा आया है, तो इसी वजह से हम इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। अगर आपका डेटा बिल्कुल सही आया है, कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होकर नहीं आया, तो आप लोड पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे।
जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगी, मेरा डेटा पावर क्वेरी एडिटर में जाकर ओपन होगा। ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस है। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो आ चुका है। अब ये एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ है, इस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिमूव कॉलम्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो एक्स्ट्रा कॉलम था वो रिमूव हो गया है। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं तो आपने उन सभी को सिलेक्ट करना है और रिमूव करना है। अब देखिए यहाँ पे जो मंथ है, आइटम एंड सेल, तो ये मुझे अपने फर्स्ट रो में चाहिए और ये कॉलम टू भी मेरा एक्स्ट्रा है जिसमें सीरियल नंबर आ रहा है, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो या तो आप राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं या फिर आप ऊपर से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे रिमूव कॉलम। तो दोनों कॉलम्स मैं रिमूव कर चुकी हूँ। अब मुझे मंथ, आइटम और सेल, ये मुझे एज अ हेडर चाहिए। तो होम टैब में ही आपकी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ग्रुप में ऑप्शन आती है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हेडिंग में मेरा मंथ, आइटम्स एंड सेल जो है वो आ चुका है। जब आपका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट हो, आपको लगे कि अब ये डेटा एक्सेल में आपने प्लेस करना है, तो आप क्लोज एंड लोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लोज एंड लोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा एज अ टेबल एक्सेल में प्लेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो आपके ऊपर टैब्स हाईलाइट होंगे, एक है टेबल डिज़ाइन, दूसरा है क्वेरी। सबसे पहले आपने टेबल डिज़ाइन में जाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो रोज का कलर है डिफरेंट आया हुआ है, इसको आपने हटाना है, तो यहाँ पे बैंडेड रोज पे टिक होगा, इसको अनचेक करना है। और जो फिल्टर हटाने के लिए, फिल्टर बटन के ऊपर भी आपने अनचेक करना है, तो आपका डेटा नॉर्मल एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सेटिंग आपने करनी है, उसके लिए आप क्वेरी टैब में जाएंगे। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके डेटा को, यहाँ पे जो नया डेटा होगा उसको दिखाएगी। तो देखिए आपने दो चीज़ें यहाँ पे करनी है। फर्स्ट है इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश, इस पर टिक होना चाहिए। सेकेंड है रिफ्रेश एवरी, इस पर आप टिक करेंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5 मिनट्स करेंगे, क्योंकि जब भी आप गूगल के किसी भी प्रोडक्ट में अपना डेटा अपडेट करते हैं तो वो 5 मिनट के बाद ही अपडेट होता है, इंस्टेंटली कभी भी आपका डेटा जो है वो अपडेट नहीं होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 मिनट्स कर दिए। और थर्ड आपने ये भी करना है, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। जब भी हम ये एक्सेल की फाइल ओपन करें, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो, और अगर कोई नया डेटा हमने गूगल शीट में ऐड किया है तो वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। इन तीन सेटिंग्स को इनेबल करने के बाद अब हम करेंगे ओके। तो सारा काम हमारा डन है, इस फाइल को अब हम सेव करने वाले हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगी विद द नेम माय डेटा। फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि अब मुझे चेक करना है कि क्या जो डेटा मैं यहाँ पे अपडेट कर रही हूँ वो डेटा वहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट मंथ डाला दिसंबर, यहाँ पे हम डालेंगे हाउस 500। तो डेटा मैंने अपने गूगल शीट में अपडेट कर दिया है। अब हम एक्सेल को ओपन करेंगे, तो इसको एक बार क्लोज करके अब हमें दोबारा से इसको ओपन करना है। तो ये माई डेटा नाम से मेरी एक्सेल की शीट है, इसको मैं ओपन करूंगी। तो देखिए 5 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 5 मिनट्स आपका जो डेटा है वो आपकी एक्सेल की शीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब मैंने दोबारा से जब एक्सेल को ओपन किया, ऊपर आप वार्निंग देख सकते हैं, एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन हैव बीन डिसेबल्ड, इनेबल कंटेंट, क्योंकि अब हमारा गूगल शीट एंड एक्सेल का आपस में कनेक्शन क्रिएट हुआ था, तो हमें इनेबल कंटेंट पे क्लिक करना है। और आफ्टर 5 मिनट्स आप देखेंगे यहाँ पे दिसंबर का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए आपको 5 मिनट वेट करना होगा।
तो देखिए आफ्टर 5 मिनट्स आपका दिसंबर का डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने अपना एक्सेल ओपन किया और 5 मिनट्स के बाद जैसे ही 5 मिनट्स हुए उस डेटा को अपडेट हुए हुए वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेल की शीट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने गूगल शीट को इंटीग्रेट कर सकते हैं विद एक्सेल। तो यहीं पे हमारी ये वीडियो एंड होती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। Thanks for watching this video. Keep supporting us.